तो जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है, ये हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि आज बिहार की सियासत के लिए, जेडीयू के लिए सबसे बड़ा दिन है, आज फैसले का दिन है। और आज सुबह 11:30 जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और फिर 3:00 राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। और इससे पहले कल शाम हुए पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में नीतीश ने कह दिया कि आज की बैठक में आने वाला राजनीतिक प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा नजर आए। तो आज दो बड़ी बैठक होने वाले हैं जिसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। नीतीश कुमार दोबारा बन सकते हैं अध्यक्ष, यही बात और यही खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लग सकती है, नीतीश कुमार एक बार फिर से अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, ये कहना है जेडीयू के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार का, जिन्होंने ये भी कहा है कि नए नए प्रस्ताव बैठक में आएंगे और अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन सकते हैं, और अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो इसी से आप समझ लीजिए कि ललन सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। शुभी, तो बार बार इस बात की चर्चा इसीलिए की जा रही है क्योंकि शैलेंद्र कुमार ने अपने बयान में बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर कह दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा है कि निश्चित तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कुछ बड़े फैसले होते हैं। तो इन बातों की चर्चा शैलेंद्र कुमार, जो एक सर्वोच्च पद पर है, एक अधिकारी के पद पर है, उन्होंने अगर ये बातें कही है तो इसके अलग मायने होंगे, और मायने यही कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अध्यक्ष बनते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो इस बयान की चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन बयानों से ही सारी बातें सामने आई, और इसीलिए ये बयान सबसे पहले दर्शकों को सुनाया जाता है। क्या कुछ कहा है पहले दर्शक, आप खुद इस बयान को सुन लीजिए। सारे पार्टी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं तो उनके हाथों में पार्टी की कमान आ सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बनाए जा सकते हैं, कार्यकारिणी इसको लेकर के अनुमोदन कर सकती है। अभी चूंकि कार्यकारिणी की बैठक है, कार्यकारिणी में अगर प्रस्ताव आया, कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव आया और पारित हुआ तो पुनः एक बार, पहले भी रहे हैं और पुनः एक बार नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ललन सिंह ने भी कहा है कि पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं। आप लोग क्या मानते हैं, क्या नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं तो उनके नाम पर सहमति बने और लोकसभा चुनाव के पहले वो अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी ज्यादा मजबूत होगी? नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पे सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने अपने परिश्रम से, खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर पार्टी आती है तो निश्चित तौर पे पार्टी का और विकास होगा। और शुभी, इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि यदि प्रस्ताव पारित होता है तो सीएम नीतीश कुमार फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं, यानी ललन सिंह अपने अध्यक्ष पद से हट सकते हैं। और ऐसे ही अगर एक एक करके आगे देखें तो सवाल ये भी उठता है कि क्या ललन सिंह उस तरीके से पार्टी का विस्तार नहीं कर पा रहे थे जो नेता चाहते थे, क्योंकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है, अगर आप इस पूरे बयान को सुनेंगे तो उसमें ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में अगर पार्टी की कमान जाती है तो विकास और भी ज्यादा होगा। तो आज सवाल यही है कि जेडीयू में आज होने वाला क्या है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ बड़ा फैसला होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कयासों में जेडीयू पार्टी में बदलाव के संकेत दे रही है। साथ साथ आपने शैलेंद्र कुमार का बयान भी सुना, उन्होंने यही कहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, प्रस्ताव अगर कुछ नए पारित होते हैं तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद होंगे। बिल्कुल, और देखिए जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक से पहले हलचल काफी तेज हो चुकी है। जेडीयू कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पार्टी के सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार। 29 दिसंबर से पहले 25 दिसंबर का कार्यक्रम पहले रद्द कर दिया गया था और फिर 29 दिसंबर की तारीख तय की गई थी जो आज है, और आज ही बैठक होने वाली है, दो बड़ी बैठक जेडीयू की आज दिल्ली में होने जा रही है और इसी बैठक में बड़ा होगा। शुभ, बाकी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों की बैठक है और इस बैठक में क्या निकल कर आएगा वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक है, लोकसभा चुनाव को लेकर काफी रणनीति बनाई जाएगी, बड़े स्तर पर प्लानिंग की जाएगी और बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव आएंगे।
और बीजेपी मोदी सरकार और उसकी नीतियों पर कैसे हमला किया जाए, कैसे जेडीयू उस पर अटैक कर सकती है, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। संगठन को और कैसे विस्तार दिया जा सकता है, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस पर भी चर्चा होगी कि एनडी गठबंधन को मजबूत बनाने कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा सीएम नीतीश कुमार ने ही सभी विपक्ष के नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाया है, लेकिन उनसे भी नाराजी खबरें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि जेडीयू की तरफ से क्या रुख एनडी गठबंधन को लेकर रहता है, और जेडीयू की मौजूदा और भविष्य का रुख भी तय किया जाएगा कि अभी जो रणनीति है अगर वो काम नहीं कर रही है तो भविष्य में हम कौन सा रुख अपनाएंगे कि पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होगी, और नेशनल स्तर पर केंद्रीय स्तरीय की पार्टी इसे कैसे बनानी है। तय ये भी होगा कि गठबंधन को लेकर जेडीयू का आगे क्या रुख होगा। सुबह 11:30 बजे आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इसी के बाद 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, और पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी इस पर चर्चा, इस पर रणनीति क्यों हो रही है ये भी आपको बता देते हैं। क्योंकि जब ललन सिंह अध्यक्ष बने थे जेडीयू के, तो उनका जो फोकस था वो यही था कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है, लेकिन उसमें वो असफल हो गए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी वो नहीं बना पाए। इसके साथ ही जो हाल ही में चुनाव हुए, अगर आप देखें कुर्नी विधानसभा उपचुनाव जो है वो जेडीयू हार गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं वहां पर जेडीयू को काफी कम वोट मिले, नागालैंड में जेडीयू को कम वोट मिले हैं। तो कई सारी ऐसी परिस्थिति है जिसमें जेडीयू पार्टी जो एक उम्मीद बहुत सारी उम्मीद थी, खास करके अगर ललन सिंह की बात कर ले, क्योंकि आज हम उन पर ही फोकस करेंगे, उनको ही लेकर चर्चा शुरू हो गई है, तो उनसे ही उम्मीद बहुत थी, इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था कि पार्टी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे, केंद्र स्तर की पार्टी जेडीयू होगी और आगामी जो भी चुनाव होंगे उसमें जेडीयू को जीत हासिल होगी, और वो नहीं हो पाया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज की बैठक में क्या बड़ा होगा, जेडीयू के अंदर क्या बड़ा होने वाला, मैं दोस्त सहयोगी ये देखिए जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है, ये कुछ क्या होगा इस पर प्रश्न चिन्ह है और इसका जवाब कुछ ही देर के बाद मिल जाएगा, क्योंकि आज जेडीयू की दो बड़ी बैठक होने वाली है। दोस्त सहयोगी आनंद अमृतराज और अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत तो आनंद के साथ ही कर लेते हैं। आनंद आप पटना में मौजूद हैं और पटना की सियासत भले ही अभी दिल्ली शिफ्ट हो गई हो, वहां पर बैठक होने वाली है, लेकिन बिहार का सियासी पारा गर्म तो जरूर होगा, क्योंकि सभी जो पार्टी है उनकी निगाहें भी जेडीयू के इस बैठक पर है। कुछ बड़ा होने वाला है ये लाइन हम लगातार कह रहे हैं, क्या लगता है क्या बड़ा हो सकता है? देखिए कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी तस्वीर आज बिल्कुल साफ हो जाएगी, और जब दूसरे हाफ में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी उस बैठक में तस्वीर साफ हो जाएगी, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, जिसकी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं किया है, ना ललन सिंह ने किया और ना ही मुख्यमंत्री ने किया, और जेडीयू का मतलब होता है नीतीश कुमार और ललन सिंह, अगर वो दोनों में किसी ने पुष्टि की होती तो ये साफ हो जाता कि भाई जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ घंटे की बात है जब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि जेडीयू में जिस बात की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। चर्चा कई तरह की है, चर्चा इस बात को लेकर भी है कि लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ी रणनीति बनाई जाए, उस रणनीति के कई हिस्से हो सकते हैं, उस हिस्से के तहत भी ये जो जिस बात की चर्चा है वो चर्चा पूरी हो सकती है। मैं फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू कई रणनीतियाँ बनाने वाली है, और उस रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है जिसकी चर्चा बार बार मीडिया में चल रही है। इसलिए मैंने आपको बताया कि दूसरे हिस्से में जब जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी उस परिषद में साफ हो जाएगा कि जिसकी चर्चा थी उसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसा होता है उसके पीछे वजह क्या बताई जाती है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर ललन सिंह इस्तीफा देते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी बात होगी, और उस इस्तीफे के पीछे पार्टी का क्या हित है, पार्टी का क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, इसका भी असर पड़ने की पूरी संभावना है। तो जाहिर तौर पे ये इतना आसान नहीं है, जेडीयू में चूंकि 4-5 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है, अगर 4-5 महीने के बाद लोकसभा चुनाव, इस वक्त अगर आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर आप हटाते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हटते हैं तो उसका एक बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, अगर ललन सिंह इस्तीफा देते हैं तो वो भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, नीतीश कुमार अपने पास बागडोर रखते हैं तो वो भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर ब्रसर मौजूद हैं। ब्रसर एक सीधा सा सवाल है ना कि आसमान में तो धुंध छा गया है बिहार के, भले ही दिल्ली में बैठक हो रही है लेकिन बिहार के सियासत में एक धुंध छाया हुआ है, क्या होगा इस फैसले का, क्या आपको वाकई लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले जेडीयू एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से आसमान में कोहरा छाया हुआ है उसी तरह से जदयू के ऊपर भी कोहरा छाया हुआ है। कल दिन भर जो मीटिंग होती रही
उसमें जो फैसला आया मुख्यतः उसमें फैसला था कि भाई आगे आज का एजेंडा क्या होगा। तो आज दो बैठकें महत्वपूर्ण है, कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ही जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जाएगा कि जो ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के वो अपने पद पे कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन जो उहापोह वाली स्थिति थी, जो अंदरूनी सूत्र बताते हैं, वो निश्चित तौर पे बताते हैं कि वो बहुत ही कमजोर विकेट पे खड़े हैं ललन सिंह, और उनका जाना लगभग तय दिखता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन पार्टी के दो जो मुख्य हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह, वही फैसला करेंगे कि किन शर्तों पर ललन सिंह बाहर जाएंगे। एक सीधा सवाल, अगर ललन सिंह इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या असर पड़ेगा, और अगर इस्तीफा देते हैं तो क्या असर पड़ सकता है? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है। ये ललन सिंह अगर पार्टी में रहते हैं तो निश्चित तौर पे वो पार्टी को चला रहे हैं, जो संगठन है उसको अच्छी तरह समझते हैं। उनके नहीं जाने का जो उनके जाने का कारण जो बताया जा रहा है कि मुंगेर से वो फोकस करना चाह रहे हैं कि मुंगेर जो लोकसभा सीट है वहाँ बहुत चुनौती होनी है, तो उसको लेकर वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को फ्री हैंड दिया जाए कि वो किसको चुनते हैं। हालांकि वो मुंगेर से लड़ते रहे चुनाव, लेकिन नीतीश कुमार को फ्री हैंड देना चाहते हैं। ब्रजेश जी आपसे बातचीत करेंगे इस वक्त, हमारे संवाददाता अमितेश भी हमारे साथ बने हुए। अमितेश, क्या कोई बड़ी जानकारी आपके पास है? अमितेश दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमितेश, क्या कोई बड़ी खबर है आपके पास? देखिए, दिल्ली में काफ़ी हलचल है और थोड़ी देर बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसको लेकर के पदाधिकारी और जो मेंबर हैं आने शुरू हो जाएंगे दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में। लेकिन एक चर्चा बिल्कुल यहां पर काफ़ी गर्म है दिल्ली में, और सियासी तापमान काफ़ी इस ठंड के मौसम में भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। चर्चा इस बात को लेकर के है कि क्या ललन सिंह आज इस्तीफा देंगे, इस बात की पूरी संभावना है। और जेडीयू को जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ललन सिंह आज अपना पद छोड़ सकते हैं, इसकी पेशकश करेंगे, और उसके बाद कोई और नहीं बल्कि पार्टी के सर्वमान्य नेता है, जिसका जिक्र ललन सिंह ने भी किया है। पार्टी के नेता भी, दूसरे जो नेता है वो भी यही चाहते हैं कि सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं हमारी पार्टी के, तो वही अपने हाथों में कमान लें। तो इसको लेकर के चर्चा है, काफी तेज है। लेकिन निश्चित रूप से इसको लेकर के देखा जाए तो बहुत बड़ा यह परिवर्तन होगा। हालांकि जेडीयू के सूत्र ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये कतई नहीं कि गठबंधन बदलने वाला है और जेडीयू बीजेपी के साथ जा सकती है, जिसके कयास लगाए जा रहे थे, इस बिल्कुल नहीं है। जेडीयू के सूत्र कह रहे हैं कि फिलहाल परिवर्तन होगा तो इतना भर होगा कि ललन सिंह के हाथों से कमान लेकर के नीतीश कुमार के हाथों में चली जाएगी, और इससे होगा कि पार्टी के सभी विधायक, सभी सांसद, सभी कार्यकर्ता और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस बात को लेकर के ज्यादा खुश और संतुष्ट होंगे। उनको भी लगेगा कि पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार हैं, उनके हाथों में कमान रहेगी लोकसभा चुनाव के पहले, सब कुछ सही होगा। लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ संबंध रहा है, बहुत पुराना संबंध रहा है। अमितेश, यही समझना है कि आखिर पार्टी के नेता क्यों चाहते हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में कमान एक बार फिर से चली जाए। और इसी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी आनंद के पास। आनंद के साथ ब्रज सर भी मौजूद हैं। आनंद, उनसे भी जानने की, समझने की कोशिश यही कीजिए कि पार्टी के जो नेता हैं वो क्यों चाहते हैं कि ललन सिंह जो है वो इस्तीफा दे दें, नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी कमान चली जाए। आज ये बयान भी आया है जिसमें कहा गया है शैलेंद्र कुमार की तरफ से कि नीतीश कुमार जो है पार्टी का अच्छे से विकास कर पाएंगे, क्यों? देखिए, जहाँ तक मैं जेडीयू को समझने की कोशिश किया हूँ अभी तक, जो मैं लंबे समय से कवर कर रहा हूँ, और जहाँ तक मैं नीतीश कुमार की राजनीति को समझने की कोशिश अगर कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में कोई बड़ी भूमिका तय नहीं, कोई बड़ी भूमिका जी जी आनंद आपकी आवाज आ रही है? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। बिल्कुल, देखिए, एक सीधा सा संदेश है, नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में कोई बड़ी भूमिका तय नहीं हुई है। भले ही वो गठबंधन में किसी बड़े भूमिका से इनकार करते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन बड़ी भूमिका नहीं हुई। अब अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार करते हैं तो नीतीश कुमार के बारे में बताया जाता है कि बहुत हार्ड बार्गेनर हैं। वो बार्गेन जब करेंगे टिकट को लेकर, किस सीट पर लड़ना है, जेडीयू को कितनी सीट चाहिए, उनसे ज्यादा हार्ड बार्गेनर बिहार की सियासत में कोई नहीं हुआ अभी तक। मैं 2005 के बाद की बात बता रहा हूँ। तो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी भूमिका अपने आप से बड़ी हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात की, जब टिकट की बात होगी या गठबंधन के सहयोग के ऊपर प्रेशर बनाना हो या फिर किसी दूसरे दल से बात करना हो, उसमें नीतीश कुमार का ये रोल बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ले रहे हैं, इसके पीछे यही वजह हो सकती है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो जाएगी कि जब भी कोई बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की होती, अगर अब आगे होती है तो नीतीश कुमार की भूमिका खुद बड़ी हो जाती है। ब्रसर, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो यही परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में ये कहा गया कि
सरकार किसी के रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, और अभी तक हम लोगों ने देखा और अभी परिस्थिति भी दिख रही है कि नीतीश कुमार को आप बाईपास करके किसी की सरकार बिहार में नहीं बनने वाली हाल फिलहाल के दिनों में, जो अब तक 2025 में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी परिस्थिति है। क्या आपको लगता है कि एक वजह ये भी हो सकती है? बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता उनसे कल बातचीत हुई, जो भी केंद्र में मंत्री हैं या पार्टी अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों से जो बातचीत हुई और जो छोटे छोटे कैडर के जो लीडर्स हैं उनका यही मानना है कि अब एक साल के लिए सरकार बना के हम क्या करेंगे। बीजेपी भी इस पक्ष में नहीं है कि वो सरकार बनाए, और नीतीश जिस टॉप पोजीशंस पे हैं वो टॉप पोजीशंस पे बने रहें और वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो लोकसभा हो विधानसभा हो। नीतीश के साथ वो किसी तरह का रिश्ता नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो कैडर के पास में मैसेज गया बीजेपी के कैडर के पास में, वो अभी किसी तरह का समझौता नहीं चाहता, पॉलिटिकल बार्गेनिंग, क्योंकि एक साल में जो मेहनत किया बीजेपी ने वो लगता है कि वो मटिया मेट हो जाएगा। तो ये संभावना बिल्कुल खारिज है कि बीजेपी और जदयू की सरकार बनेगी। जेडीयू के सूत्र भी बता रहे हैं, हमारे सहयोगी अमितेश भी दिल्ली से बता रहे हैं, और जो हमारे सूत्र वो भी बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तक कुछ नहीं होने वाला है। नहीं होना है, लोकसभा चुनाव तक कुछ नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के बाद स्थितियां बदल सकती हैं, बिहार है और बिहार की राजनीति को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और वो भी नीतीश कुमार है। बिल्कुल आनंद, यानी कि सबसे ये जरूर साफ हो चुका है कि गठबंधन नहीं बदलने वाला है, यानी नीतीश कुमार जो है वो इंडिया अलायंस के साथ ही रहेंगे, लेकिन जेडीयू के अंदर बदलाव जो है वो जरूर हो सकता है। और देखिए अमित, आप हमारे साथ आनंद बने रहिए, आपसे आगे भी इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, अमितेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर अगर आप देखें तो बिहार की सियासत गर्म है, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, और कई सारी बयानबाजी भी चल रही है, और जेडीयू की बैठक पर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है।